क्या आप चाहते हो कि आपके नीचे का पार्ट कोरा लगे? क्या आप परेशान हो चुके हो आपके नीचे के पार्ट से क्योंकि वो बहुत काला है? वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मैं उस क्रीम का नाम लास्ट में बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने नीचे वाला पार्ट कोरा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BMN में। सो आज का बहुत ही खतरनाक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोग कम बात करते हैं। सो ये टॉपिक है कि हम अपनी प्राइवेट पार्ट को क्लीन एंड हाइजीनिक कैसे रखें और इसको फेयर कैसे बनाएं, गोरा कैसे हो ये पार्ट। सो बहुत से लोग परेशान होते हैं कि यार मेरा वाला पार्ट बहुत ही काला हो चुका है बट वो गोरा नहीं है। सो हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे जिससे कि हम उस पार्ट को गोरा कर सकते हैं और एक मैं ऐसी क्रीम का नाम बताने वाला हूँ जिससे वो पार्ट गोरा होने वाला है। सो पहला चीज़, आप एक अच्छा सा सीजर लें जिससे कि आप वो पहले छोटे छोटे बाल आपको कट करने हैं, जितने हो सके, जितना हो सके आपसे कैंची से आप उससे कट करें। अगर बाल होंगे, आप घना बरगद का पेड़ बनाए रहोगे तो नॉर्मल सी बात है, पसीना ज़्यादा होगा, पसीना ज़्यादा है तो बदबू ज़्यादा आएगी और आप नहीं चाहोगे कि आपके पार्टनर को वो बदबू आए। हर कोई चाहता है कि नीट और हाइजेनिक लगे, ठीक है। अगर बदबू आएगी तो उसका मूड भी थोड़ा तो पहले वो बरगद का पेड़ काटो। देन उसके बाद एक ट्रिमर लें, अच्छा सा ट्रिमर, ये फ्लिप्स का ट्रिमर है, ठीक है। आप कोई भी ट्रिमर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। देन इसको आप, जैसे अगर बाल आपके ऐसे हैं तो आपको ट्रिमर ऐसे यूज़ करना है, ठीक है, अपोजिट साइड में, और बहुत ही इजी तरीके से करें, बहुत ही आराम से करें, नहीं तो कटने का डर है और कट गया तो वाट लगने वाली है। देन कोई अच्छा सा एक रेज़र यूज़ करें, रेज़र बहुत सारे हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जिलेट का एक रेज़र है तो बहुत अच्छे है, आपकी फुल बॉडी के लिए भी काम आ सकता है, चेस्ट के लिए, अंडर आर्म्स के लिए, नीचे के लिए, और वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और सेकेंड चीज़ आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, एक वीट का वो आता है, एक वीट यूज़ कर सकते हो आप। आप पहले एक बार चेक कर लें कि आपकी सेंसिटिव स्किन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, छोटी सी जगह पे यूज़ करके देखें कहीं पे भी। देन अगर आपको ये सही लगे तो आप यूज़ कर सकते हो, मैं भी इसे यूज़ करता हूँ कभी कभार, बहुत अच्छा है, अभी भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो अब बात आती है कि ये रेज़र करने के बाद स्किन ड्राई भी हो जाती है, तो ड्राइनेस के लिए हम उसको दूर करने के लिए एक क्रीम है जो नीचे वाले पार्ट के लिए बनी है और उससे वो गोरा भी होता है। तो मैंने आपको बोला था कि हम नीचे वाला पार्ट गोरा कैसे करें, उसके लिए मैं आपको क्रीम बताने वाला था। क्रीम का नाम है नामिया लाइटिंग सीरम, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, वो मैक्सिमम 4 या 5 महीने चलेगा और बहुत अच्छी क्रीम है। वो वाला पार्ट आपका गोरा भी करेगा और सेकेंड चीज़ वो ड्राई होने से भी बचाएगा। मॉइस्चराइज़र क्रीम भी है वो, जो आप नीचे लगा सकते हैं, यार बहुत ही अच्छी क्रीम है, आप एक बार यूज़ करके देखिए, ये मैक्सिमम आपके 5 से 6 महीने चलेगी। मैंने भी मैक्सिमम ये मेरी 5 महीने चली है और मेरी ख़त्म हुई, लास्ट वीक ही मैंने इसे फेंका है, मैं डब्बा रखना भूल गया, नहीं तो मैं आपको दिखाता, मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हो, बहुत अच्छी क्रीम है और थोड़ी महंगी है बट उसके फ़ायदे बहुत तगड़े हैं। तो एक बार यूज़ करके देखिए, आपको रिव्यू देखिए, उसके रिव्यू देख सकते हैं और बहुत लोगों ने मैं भी उसमें वीडियो बनाई है, मुझे लगता है कि मुझे ये आपको क्रीम बतानी चाहिए क्योंकि मैंने भी खुद यूज़ करी है और ये बहुत अच्छी क्रीम है और आपका जो जितना भी डार्क प्लेस है ना, बहुत ही अच्छे लेवल तक गोरा होने वाला है। अगर बहुत डार्क है तो 50-60% हो जाएगा, अगर 50-60 है तो 90% हो जाएगा, अगर आपका काला है तो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड जितने भी आपका कालापन है वो सब दूर हो जाने वाला है। ये क्रीम खरीदो और देखो रिजल्ट कितने अच्छे हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यार, जब भी आप डेट में जाओ ना और आपका आपकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ सीन चल रहा है तो बहुत से लड़के क्या करते हैं कि सीधे डायरेक्ट स्टार्ट होते हैं, मतलब जो भी करना होता है कर जाते हैं। मैं ये बोलूँगा कि करने से पहले आप वॉशरूम जाएं, अपने वो वाला पार्ट धोएं, क्योंकि यार कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि आप जब भी आप इधर उधर जाते हैं तो वहाँ पसीना होता है और वहाँ से पसीने की उससे बदबू आ जाती है और आप नहीं चाहोगे कि वो बदबू आप अपने पार्टनर को फील कराओ। सो वॉशरूम जाएं, धोएं, देन उसके बाद उसे भी लगना चाहिए कि हाँ बंदा बहुत नीट एंड क्लीन है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच ब्रो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।